पढ़ाई में आपका स्वागत है। आज है 27 मई और 27 मई से करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपको फ्री पढ़ाई उपलब्ध करा रहा है। ऐसे और आने वाली वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा ले जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज स्टार्टेड द श्रम सिद्धि अभियान। किस राज्य के राज्य मुख्यमंत्री ने श्रम सिद्धि अभियान को चालू किया। आपके ऑप्शन है ये और इसका राइट आंसर है बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने श्रम सिद्धि अभियान को चालू किया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज अनाउंस टू स्टार्ट हुनर हाट अगेन फ्रॉम सेप्टेम्बर 2020, विच इज द इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री। हाल ही में सरकार ने कहा है कि वो हुनर हाट को दोबारा सेप्टेम्बर 2020 से स्टार्ट करेगी। ये इनिशिएटिव जो है वो किस मिनिस्ट्री की। आपके ऑप्शन है ये और इसका राइट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर। किसकी है? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट कैबिनेट हैज गिवन स्पोर्ट्स द स्टेटस ऑफ इंडस्ट्री। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने, किस राज्य की वित्तई ने स्पोर्ट्स को जो है वो इंडस्ट्री का स्टेटस दिया है। आपके ऑप्शन है ए केरला, बी मिजोरम, सी कर्नाटका, डी नन ऑफ दी। और इसका जो सही राइट आंसर है वो क्या है? मिजोरम। मिजोरम गवर्नमेंट ने स्पोर्ट्स को इंडस्ट्री का स्टेटस दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च इंडियाज बायोडाइवर्सिटी हार्मोनी स्टैंडर्ड प्रोग्राम। किसने लॉन्च किया इंडिया का बायोडाइवर्सिटी हार्मोनी स्टैंडर्ड प्रोग्राम। और इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? प्रकाश जावड़ेकर जी। क्या है? प्रकाश जावड़ेकर जी। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली पास्ड अवे बलवीर सिंह दोसांझ वाज अ फेमस। हाल ही में बलवीर सिंह दोसांझ का निधन हो गया, वो क्या थे? और इसका जो राइट आंसर है क्या है? वो हॉकी प्लेयर, वो एक हॉकी प्लेयर थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री टेनिस प्लेयर जेमी हैम्पटन हैज अनाउंस हिज रिटायरमेंट। किस कंट्री के टेनिस प्लेयर जेमी हैम्पटन ने फिलहाल में रिटायरमेंट अनाउंस करी है। आपके ऑप्शन है ये और उसका राइट आंसर है यूएसए। क्या है? यूएसए, यूएसए के थे वो। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली पास्ड अवे आर शनमुगन वाज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। हाल ही में आर शनमुगन का निधन हुआ, वो किस स्पोर्ट से रिलेट करते थे? आपके ऑप्शन है और इसका राइट आंसर क्या है आपका? फुटबॉल। क्या इसका राइट आंसर आपका? फुटबॉल, वो फुटबॉल से बिलोंग करते थे। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्रीज फुटबॉल प्लेयर एडरिज एड्रूस अनाउंस हिज रिटायरमेंट। किस कंट्री के फुटबॉल प्लेयर एडरिज एड्रूस ने हाल ही में रिटायरमेंट अनाउंस करा है। आपके ऑप्शन है ए फ्रांस, बी स्पेन, सी जर्मनी, डी नन ऑफ दीज। और इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या है? इसका राइट आंसर है बी स्पेन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन है, विच बैंक हैज लॉन्च सीनियर सिटीजन केयर एफडी स्कीम। किस बैंक ने सीनियर सिटीजन केयर एफडी स्कीम को लॉन्च करा। आपके ऑप्शन है ए बीओबी, बी आईसीआईसीआई बैंक, सी एचडीएफसी बैंक, डी नन ऑफ दी। और इसका जो सही आंसर है वो है एचडीएफसी बैंक। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रिलीज किया है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ रीस्टार्ट पैकेज। आपका ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी हरियाणा, डी नन ऑफ दीज। और इसका जो राइट आंसर है वो है आंध्र प्रदेश। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली त्साई विंग बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। हाल ही में त्साई विंग विन जो है वो किस कंट्री के प्रेसिडेंट बने। आपके ऑप्शन है ए ताइवान, बी फिलीपींस, सी ब्राजील, डी इंस्टाग्राम। और इसका जो राइट आंसर है वो है ताइवान, वो ताइवान के प्रेसिडेंट बने। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस ऑफ 50% स्पेशल कोविड पी ओवर एमआरपी ऑफ लिक्विड। किस राज्य सरकार ने 50% स्पेशल कोविड पी लगाई है एमआरपी ऑफ लिक्विड पे। आपके ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी उड़ीसा, सी हरियाणा, डी नन ऑफ दीज। और इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? उड़ीसा, बी उड़ीसा इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रैक्टिस मैनेजर ऑफ द वर्ल्ड बैंक फॉर क्लाइमेट चार्ज। किसको बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है आभास शाह। आभास शाह को बनाया गया है प्रैक्टिस मैनेजर ऑफ वर्ल्ड बैंक फॉर क्लाइमेट चेंज के लिए। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट
विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस अ ग्रांट ऑफ 4 लाख रुपीज टू द फैमिली ऑफ दोज हु डाइड ऑफ कोरोना वायरस। किस राज्य ने कहा है कि वो कोरोना वायरस से मरे हुए लोगों को 4 लाख रुपए देगी? तो इसका सही आंसर है आपका बिहार। बिहार की कैपिटल, बिहार के CM और बिहार के गवर्नर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच टी हैज बीन सजेस्टेड बाय एक्सपर्ट एज ए कोरोना मेडिसिन। किस टी को एक्सपर्ट के द्वारा सजेस्ट किया गया है कोरोना मेडिसिन के रूप में? आपके ऑप्शन है ए दार्जिलिंग टी, बी कांगड़ा टी, सी ग्रीन टी, डी नन ऑफ दीज। और इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी कांगड़ा टी। कांगड़ा टी को अनाउंस किया गया है। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन पूछा था व्हेन इज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे सेलिब्रेटेड, इसका राइट आंसर था 22 में। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हु हैज रिसेंटली बिकम द वर्ल्ड हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट। किसको कौन वर्ल्ड की हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट बनी? आपके ऑप्शन है कैरोलिना मारिन, नायोमी ओसाका, सेरेना विलियम्स, डी नन ऑफ दीज। दो क्वेश्चन पूछे मैंने, एक बिहार की कैपिटल सीएम कैपिटल और गवर्नर, और एक ये क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा ले जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।